से मैं देवे प्लाटा को। थैंक यू वाइस चेयरमैन जी। ये बजट जो है, जब बजट आने वाला होता है तो लोगों में बहुत उत्सुकता होती है, लोग बड़े ध्यान से और दिल लगाकर टीवी के सामने बैठे होते हैं कि पता नहीं हमको क्या मिलने वाला है, क्या हमारी भलाई होने वाली है, क्या हमें फायदा होने वाला है, क्या हमें उन्नति मिलने वाली है। ये जो बजट है ये हर उस पे विफल रहा है, कोई भी वर्ग इससे खुश नहीं है, ना तो किसान है जिसके लिए इन्होंने इतना बड़ा कहा है फार्मर्स फार्मर्स फार्मर्स, आज फार्मर्स भी खुश नहीं है, महिलाएं भी खुश नहीं है, बच्चे भी खुश नहीं है, व्यापारी भी खुश नहीं है, कोई भी वर्ग इस बजट से खुश नहीं है, क्योंकि इस बजट में है ही कुछ नहीं। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहती, लेकिन मैं एक बात वित्त मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इन्होंने किसान की परिभाषा क्या रखी है। क्या सिर्फ किसान वही है जो गेहूं ज्वार मक्की धान बीजता है, या किसान वो भी है जो हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में रहता है, जो वहां पे सेब की फसल करता है, फ्रूट की फसल करता है, उगाता है, और उसको जो नुकसान होता है क्या उसकी भरपाई के लिए भी इन्होंने कुछ रखा है? कुछ नहीं रखा। जितने ये हिल एरियाज है उनके लिए एक स्पेशल बजट चाहिए, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट है, चाहे हिमाचल है, चाहे जम्मू कश्मीर है, चाहे उत्तराखंड है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक सड़क बनानी है तो अगर मैदानों में उसके लिए 1 करोड़ लगता है तो पहाड़ों में उसके लिए 5 करोड़ लगता है, लेकिन इसका कोई प्रावधान नहीं है। हिमाचल का आज जो सेब है, फ्रूट है, सब्जियां हैं, ऑफ सीजन सब्जियां उगाई जाती हैं, उनके लिए भी किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं रखा हुआ, इस बजट से कोई खुश नहीं है। महिलाओं की तो बात ही क्या करनी है, बहुत महिला करते हैं, उसका बड़ा सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनका बजट भी कम कर दिया है। जो महिलाओं के उसमें है 2700 करोड़ से 2400 करोड़ कर दिया है। कुपोषण के लिए जो बात होती है, 1.2 करोड़ बच्चे हैं जिनके लिए 8000 करोड़ चाहिए, अगर हम उनको सेहत देना चाहते हैं उसका भी कहीं प्रावधान नहीं है। बड़ी बातें की जाती है। अभी इन्होंने कहा गुप्ता जी ने कि मैं भी पिछले पेपर देख रही थी, कहा जाता था जब पाकिस्तान से कि एक सिर आएगा तो हम 10 देंगे। यहाँ मेरी आज बहन नहीं बैठी हुई स्मृति ईरानी जी, इन्होंने कहा था चूड़ियां भेजी जाएगी। अब तो स्मृति जी आप इस कैबिनेट में है, भेजने भी किसी जरूरत नहीं है, पहनाई दीजिए इनको चूड़िए जो भी इस तरह से काम कर रहे हैं। कहा है वो, मैं बात नहीं करना चाहती। आज रोज हमारे यहाँ पे किसी ना किसी शहर में हमारे पास फौजी के उसमें आते हैं, तबूत में बंधे हुए डाले हुए आते हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते। जम्मू कश्मीर के हालात, अभी मेरे भाई बोल रहे थे जम्मू कश्मीर के लिए कि क्या हुआ क्या किया, लेकिन इतनी बुरी हालत मेरे भाई 2000 से लेकर 9 तक इतनी नहीं थी जो आज हो रही है। कहाँ है वो, कहाँ है वो बातें, केवल जुमले ही थे। आज इतना कुछ दिया जाए, ये सिर्फ बातें हैं, बातों के लिए कुछ नहीं है। कहीं पे कौन सा हमारा विदेश नीति है, कौन सा हमारा जो नेबर है, जो हमारा पड़ोसी देश है हमसे खुश है, जो नेपाल था उसको भी हमने गवा दिया, श्रीलंका हमसे नाराज, म्यांमार हमारे साथ नहीं है, बांग्लादेश का उस देख लीजिए, चीन हमें डरा रहा है, पाकिस्तान रोज हमको कहता है, और हम विदेश घूम रहे हैं, खूब विदेश जा रहे हैं। कौन सी FDI आ गई है विदेश से मुझे बताए, जितना खर्च विदेशों पे जाने में हुआ है उसी से तो हम अपने देश का और भी भला कर सकते थे, उसको और भी उन्नत ले जा सकते थे, कोई हमारी नीति नहीं है। मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, यहाँ बैठे हैं नड्डा जी, एक मिनट, जो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, चाहे वो नाहन में है, चाहे हमीरपुर में है, चाहे मंडी में, जब MCA की टीम आती है कहाँ से फैकल्टी के प्रोफेसर लिए जाते हैं, कभी इंदिरा मेडिकल कॉलेज से जाते हैं, कभी टांडा से जाते हैं, तब वहाँ कॉलेजों के लिए पूरा, ऐसे मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए नड्डा जी जहाँ पे फैकल्टी के लिए प्रोफेसर ही ना हो। कौन से बच्चों को आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं जहाँ की सुविधाएं ही नहीं है? तो मैं इसलिए ये कहना चाहती, नहीं ऐसा नहीं है, हम बोल रहे हैं और हमेशा ही हमारे लिए ऐसे किया जाता। 2 मिनट में मैं खत्म करती हूँ।
हर इंश्योरेंस का लाभ प्रदेश में अपने अपने प्रदेश में है। 5 लाख के लिए कहा गया है 1 साल के लिए। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहती हूँ, इन्होंने कहा कि अगर मिनिमम पैसा है किसी का, अगर बड़े बड़े शहरों में 3,000 है 1,000 है और उसके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी, और पेनल्टी पे भी GST लगा दिया वित्त मंत्री जी। अगर पेनल्टी भी लेनी है, कसूर है गरीब का कि वो 1,000 रुपया भी नहीं रख सकता बैंक में, उसके पेनल्टी के ऊपर भी आपका GST है। और इंदिरा आवास की, प्रधानमंत्री आवास की बातें हो रही है, और जो लेता है फ्लैट ले उस पे भी वो GST दे। ठाकुर जी बताइए ये कहां का न्याय है। तो इस तरह से सरकारें नहीं चल रही, तैयार हो जाइए। अगर हमने गलतियां की थी हमने भुगत ली, आप भुगतने के लिए दो न, और वैसे भी आपका ये बटा 4 महीने का है, आप इस फसल का इंतजार कर रहे हैं कि ये फसल आए और हम किसानों को पैसा दे और अगली फसल के लिए कुछ नहीं, और आप इलेक्शन ले ले, ये होने वाला नहीं है। इस लावे में मत रहिएगा, आपको जाना ही होगा और जाएंगे। जनता आपसे नाराज है, राजस्थान का आपने देख लिया, गुजरात में देख लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ठाकुर जी। Now, Mr. Ashok Siddharth, strictly 3 minutes. तो 5 मिनट सर। No, please. दलितों के साथ ही क्यों अन्याय हो रहा है सर? सर दलित दलितों के साथ ही अन्याय सर क्या? चलिए बोलिए। माननीय उपसभापति महोदय धन्यवाद, आपने मुझे केंद्रीय बजट पर बोलने का मौका प्रदान किया। श्रीमान, जैसे ही केंद्रीय बजट सत्र आता है वैसे ही देश के आम नागरिकों में चर्चा होने लगती है कि आने वाले बजट में उनके लिए क्या होगा। उसका कारण है हमारा मानवर भारत में वित्त मंत्री के द्वारा पढ़ा जाने वाला बजट भाषण देश के नाम एक संदेश होता है। इस संदेश से जनता को यह भी पता चलता है कि सरकार की आने वाली वित्तीय वर्ष में आम जनता के प्रति सोच क्या है। जहां तक वर्ष 2018-19 के बजट की बात है, इस बजट से को भले ही सरकार के छाटकर्ता करने वाले आर्थिक विशेषज्ञ इस असंतुलित बजट को संतुलित बता रहे हों, लेकिन वास्तव में ये बजट गरीबों, मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों और उसमें भी खासकर दलितों और आदिवासियों के लिए इस बजट में कोई खास प्रावधान करने का काम नहीं किया गया। किसानों से लेकर के महिलाओं की स्थिति तक इस सदन के वरिष्ठ सदस्यों ने सरकार को चेताने का काम किया। मैं उन बातों को दोबारा दोहराकर सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। मैं इस बजट में अपने अल्प समय में, चूंकि मैं दलित समाज से ताल्लुक रखता हूं, एक साधारण से दलित परिवार में पैदा होकर के देश के सर्वोच्च सदन में मुझे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन से मौका मिला है, तो मैं इस बजट में जो दलितों और आदिवासियों के उत्थान की बात कहीं दिखाई नहीं देती उसके संबंध में सरकार से कुछ बातें जानना चाहता हूं कि आखिर सरकार ने लगातार जब 2014-15 में पहला अपना आम बजट पेश किया था तो बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने उस बजट में दलितों के लिए, SC ST के लिए, SC के लिए 2.8% बजट का प्रावधान रखा था। लेकिन इस बजट में 4 साल गुजरने के बाद अपने आखिरी बजट में 2.32% घट करके रह गया। क्या 4 साल में दलितों की तरक्की हो गई या फिर आबादी कम हो गई? आज तक ये प्रश्न हमारे दिमाग में बजट प्रस्तुत होने के बाद अभी तक अनुत्तरित है कि सरकार ने इस संबंध में क्या किया है। मानवर भोजन और पानी और ऑक्सीजन की तरह मानव जीवन के लिए गरिमा और सम्मान जरूरी होता है, लेकिन इस बजट में अगर हम पूरे प्रावधानों को देखें तो इस बजट में कहीं भी दलितों के लिए मानवर सम्मान से जीने लायक व्यवस्था करने का काम नहीं किया गया है। इस यूनियन बजट में अब मैं सिर्फ 2 ही बातें कहकर के अपनी बात समाप्त कर दूंगा, क्योंकि समय आपने 3 मिनट स्ट्रिक्टली कहा है और मैं अनुशासित पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं, इसलिए मैं बस एक आधा मिनट में अपनी 30 सेकंड अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।
कि कम से कम सरकार, माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं सर, कम से कम मैं वित्त मंत्री जी से ये चाहूंगा कि फंड आवंटन जो दलितों के लिए हो, आदिवासियों के लिए हो, वो नीत ऐसी नीत बनाई जाए जो प्लान नॉन प्लान के विलय में जो झूल रही है उसे हटाकर के आवश्यक कानूनी रूप दिया जाए, क्योंकि नॉन प्लान और प्लान और नॉन प्लान के चक्कर में नॉन प्लान मानव एक मिनट सर नॉन प्लान और प्लान के चक्कर में जो दलितों आदिवासियों के लिए बजट दिया जाता है वो एक तरह से सरकार की दया पर निर्भर है मानव। तो आनंद भास्कर सरकार की दया पर निर्भर ना होकर के आदिवासियों के लिए सर इस बजट में समुचित व्यवस्था प्रदान करने का, क्योंकि सरकार में जो बैठे सरकार में जो दलित समाज के लोग भी मंत्री और मंत्री बैठे हो, वो भी सोचे कि आज अगर विपक्ष के साथ ऐसा हो रहा तो उनमें जो लोग बैठे उनके साथ भी पूरे समाज के साथ ये सरकार क्या करने जा रही है, उनकी अपनी आंखें उन्हें खोल लेनी चाहिए। आनंद भास्कर अपोलो 4 मिनट्स। रेस्पेक्टेड वाइस चेयरमैन, बीइंग द सन ऑफ द वीविंग कम्युनिटी, आई एक्सप्रेस माय विश फॉर रिड्यूसिंग फ्रॉम 600+ crores ऑफ बजटरी सपोर्ट टू 300 crores टुवर्ड्स द हैंडलूम वीविंग सेक्टर। बीइंग द सन ऑफ द other backward classes, I express my anguish for your insensitivity to our demand to have the OBC sub-plan, as you have done away with the plan and non-plan budgetary approaches. You have safely shelved the scheduled caste sub-plan and scheduled tribe sub-plan, hence the other backward classes sub-plan demand is not being taken up seriously. This is the grave concern of the more than 50% of the population of India, which needs to be addressed by the union government immediately. Being the son of Telangana, I would like to flag up before you that Telangana is being deprived of the provisions that are supposed to be provided through the enactment, and you are also not showing the necessary concern towards provision of the schemes and programs and providing the institutes to the Telangana state. At this juncture, my brothers and sisters of Andhra Pradesh are in hesitation. Yesterday, they observed total bund throughout the residuary state of Andhra Pradesh. My colleagues in both the houses are standing in the well and hesitating and expressing their anguish. Even earlier, I have pleaded with you to have the two types of special status programs for these states. One are for the very sensitive hilly areas and another for such states which are having the real fiscal complication to cater to their necessities. Andhra Pradesh is one such state which needs to be addressed by you with the special provision of the funding, and you have to assuage them to the new type of special status to Andhra Pradesh state, then only the anguish and agitation will subside. Otherwise, that will take into a shape of movement which will become a bigger problem in times to come. Ek saal ye hai aapke samne, 4 saal guzar gaye, karwa guzar gaye, gubaru dekhte rahe. Ye 4 saalon mein आपकी सत्ता देखने के बाद ये भी सोच सकते हैं, अगर ये 2014 में वर्तमान प्रधानमंत्री के बदले लाल कृष्ण आडवाणी जी प्रधानमंत्री बन गए तो बहुत अच्छा होता था। ये सोच अभी सोच में है, बाहर निकलने के लिए साहस नहीं कर रहा है, ये बात समझना चाहिए। अगर लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री बनकर के ये सत्ता चलाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का असली राजधर्म पालन में आता था। उसके साथ ही साथ मैं आर्य समाजी पद्धति का ब्रह्मश्री दयानंद सरस्वती जी से लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक जो जो वो लोगों का सूचना है, जो विचारधारा है, पूरा पढ़ के बैठे वाले मैं बोल रहा हूँ। आप आखिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मार्ग में भी चलने के लिए तैयार नहीं है। आपका असली चेहरा अभी अभी सामने आ रहा है, इसीलिए जनता पूरा देश में
पूरा दुखित है, वो आपके सामने है। यू नो दैट, यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द टर्मोइल दैट इज ब्रूइंग ऑल अक्रॉस द कंट्री। यूअर जी डी पी इज नॉट बींग बिलीव्ड, यूअर आर्थमेटिक इज नॉट बींग बिलीव्ड, एंड यू हैव द फोबिया ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल, थैंक्स टू यूर रिमा मेमोरी, Ninda is also a great stuti before the spiritual authority. If you respectfully make the blame, if you form the Ninda stuti, it will also become a prayer. You have obsessed with Pandit Jawaharlal Nehru, but he has brought in the mixed economy. He has ensured what it is today before you and what you are administering now. But have you ever bothered to look at the necessities of the Indian population? Your GDP cannot cater, and it is established fact by the well-known international economists that GDP calculation is not going to give you the necessary assessment, and it will not indicate the progress and development that is having what you have mentioned, the ease of living. It is not even ease of business, not even ease of doing business, and it is not even ease of living. In such condition, what is supposed to be done? Recently, under the parameters of the Inclusive Development Index, 74 countries, emerging economies have been considered. In those 74 emerging economies, where India is standing, please it is standing at the 62 rankings, as it is not inclusive economically. As it is not inclusive socially, so please conclude. Not at all inclusive administratively. This has become allotted time is over. Hence, as the doubts are looming large about the calculations of the GDP, I urge upon the Union Finance Minister to look into the possibility of the inclusion and assessment in the model on the way of Inclusive Development Index, which will show what exact inclusive nature we could attain with our people. Besides that, I would like to urge upon the Union government to have the federalism in the proper form. You have mentioned about the cooperative federalism, but there is nothing in practice before you as the federalism. You are not taking the state governments as on board while considering the requirements and the expectations of the state. Take the case of Telangana as well. This is reflecting your attitudes towards the treatment towards the state. Economic federalism is required, cultural federalism is required, social federalism is required. Then only the fusion of the political federalism Aranji, is possible, for which your budget have reflected, which Ripun Bora, you could not convey. And this has, yes. this has Ripun taken Bora. Away the great opportunity before you, as only one year is before you. Yes. I plead, I suggest, Sahana Bhavatu, Sahana Bhunatu. Thank you. Ripun Bora. Thank you, sir. You have given me the opportunity at the end. Sir, my humble submission. Sir, my humble submission to you. I am the last speaker. Sir, I am the last speaker of my party. And I am the only speaker from Northeast region, the vast region and neglected region. Sir, kindly please do not interrupt me. I will take very briefly, I will not take much of time. Accident time. Sir, main shuruaat karta hu. Hamara Vitt Mantri Mahoday ka ek quotation se main shuruaat karta hu. Wo budget jab dakhil kiya tha air connectivity ke upar mein, airport badhane ke liye jo wo bula tha, usme unhone bula je hum log is budget mein हवाई चप्पल वाला के लिए हवाई जहाज हम उपलब्ध करेंगे। सर, सिर्फ हवाई जहाज हवाई एयरपोर्ट बढ़ा करके हवाई चप्पल पहनने वाला के लिए हवाई जहाज उपलब्ध नहीं होगा जब तक उनका फेयर्स कम नहीं होगा। सर, हवाई चप्पल कौन पहनता है? जो पोरेस्ट ऑफ द पोर पहनता है। सर, वो लोग तीन महीना चार महीना पहले कभी टिकट बुक नहीं करता है। तीन महीना चार महीना पहले टिकट बुक करने से उनको 3,000-4,000 में दिल्ली तक टिकट मिलता है। लेकिन उन लोग को मजबूरी है सर, 48 आवर्स का अंदर टिकट बुक करना है कि बीमार के लिए चेन्नई जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए और दिल्ली आने के लिए। और हमारा गुवाहाटी से
तब 48 आवर्स में टिकट बुक करने से इसका टिकट का दाम कम से कम सर 10,000 से 25,000 तक होता है सर। अभी हकीकत यही है, ये जो हवाई चप्पल पहनने वाला है उनका एक साल का कमानी 20,000 होता है सर। उसके बावजूद भी सर ये जो हवाई जहाज में जो पैकेज है जो बैगेज है वो एक्स्ट्रा बैगेज 1 केजी बैगेज का एक्स्ट्रा 300 रुपया देने पड़ता है। तो सर इसीलिए ये कोई दूसरा नहीं है, ये भी एक सपना है। जैसे मोदी जी का 15 लाख रुपया का सपना था, ये भी हमारा गरीब लोगों के लिए एक सपना के अलावा कुछ नहीं है सर। माय सेकंड पॉइंट इज ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, यू प्लीज इन दी बजट आप अपने नियत समय में 2 मिनट आपके पास है उसको पूरा करिए। यू हैव गिवन एवरीबॉडी मोर टाइम सर। नो सर, 25 मिनट आपके ज्यादा हो गए हैं, 25 मिनट आपके ज्यादा हो गए हैं, 2 मिनट में खत्म करिए ना। बोलते रहो सर। माय सेकंड पॉइंट इज इन दी बजट फाइनेंस मिनिस्टर हैज वेरी लाउडली एंड वेरी प्राउडली फाइनेंस मिनिस्टर हैज सेड दैट दिस इज ए बजट फॉर द पोर एंड दिस इज ए रोड मैप फॉर द पोर पीपल, दिस इज ए रोड मैप फॉर द फार्मर्स, ही सेड दिस थिंग्स। नाउ सर माय क्वेश्चन इज इफ इट इज ए रोड मैप देन व्हाट स्टेप्स द बजट हैज टेकन टू इंक्रीजिंग द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल, व्हाट स्टेप्स द बजट हैज टेकन to control the skyrocketing prices of the commodities, what step budget has taken to fulfill the promises of BJP government to make the prices of the half if they comes to power what was at the time of UPA government. Sir, as economic student of economics, I know that higher the circulation of money in the market, the higher the purchasing power of the people. Now this government, what they have done to increase the purchasing power, they have cut the circulation of money by demonetization, by cashless economy, by digital economy, by imposing restriction on bank withdrawals, imposing service taxes in case of withdrawal through ATM. So now how sir this purchasing power will increase? One at the time we are curtailing the purchasing power, and the other hand we are giving this skyrocketing prices. Sir, so far the price rise is concerned, I do not want to say other prices, only petrol prices I want to show. I want to say, sir, in 2004, in please the conclude. Sir, just 2 minutes. Please just conclude. 2 minutes. One sentence. Sir, no, final no, no, sentence. Sir, everybody final has sentence. Given yes, 10 sir. Minutes, sir. Sir, so in 2004, in the international market, crude oil price was when $30, then petrol prices was 33 rupees to 38 rupees, diesel prices was 21 rupees to 27 rupees, and in 2016, when crude oil price is per barrel $30.53, its petrol price has gone up to 59 to 66 rupees, and for diesel prices has gone 44 to 52 rupees, and now, sir, most unfortunate part is this, at this current year, the crude oil price has come down to the level of 2004, but in spite of that, the petrol price is here approximately 73 to 75 rupees per liter, and diesel prices 64 to 65 rupees per liter. Now, sir, from April 2014 to March 2016, prices of crude oil in international market have fallen 64%. And during this period, excise duty on petrol went by 126%, sir. Sir, this BJP-led NDA government, during these 3.5 years, raised excise tax 9 times. 9 times within 3 years, they have raised the excise tax 9 times. As a result, sir, the common people are suffering for the high rocketing of the prices. Now, sir, Honorable Finance Minister is here. Ravi Shankar Prasad ji is here. Sushma ji is not here. Home Minister is not here. I want to show, sir, when during our UPA government, there was a prices of price high. What they have done,
So all. No, no, sir. All ministers are here. Please don't show it. Please don't show it. Started agitation all over India. Showing this. Showing this. No, I'm calling the finance minister. Please. Sushma Swaraj by taking up. No, not allowed. Garland of onion. And Ravi Shankar Nothing will Prasad go on record. By using bicycle. Nothing will Ravi go on Shankar record. Prasad ji by using bicycle, please, sir. Please sit down. Home Minister. No. Home Minister. Honorable no, Home Honorable Minister. Hello. Nagbi, yeah, please sit they down. They have been protesting. Please sit down. Now I want to ask. Please sit down. Now I want Honorable to ask. Honorable Finance Minister. They have gone now. Mani Vitt Mantri. Where they have gone now. So please. Okay. Thank you.